आप लोगों ने गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में सुना होगा। अब आप लोग कहेंगे कि इस समय ये चर्चा में क्यों आ चुका है, तो आपको बता दूं कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 2022 में आपकी विधानसभा चुनाव है, और इसको लेकर आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक पार्टी जिसकी सत्ता है अभी उत्तर प्रदेश में, उसके द्वारा कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जा रहा है और शिलान्यास भी किया जा रहा है। और इसी दिशा में आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया है, तो इस पर हम लोग एक विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपको ये और बता देता हूँ कि कोई ये नई योजना नहीं है, 2007 में लॉन्च हुई थी, उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती साहब थी। तो इसके बारे में, इस पर क्या इसके रणनीतिक महत्व हो सकते हैं, सामरिक महत्व क्या हो सकते हैं, और क्या फायदे हो सकते हैं, इसे कितनी लंबी होगी, कितना खर्च आएगा, कौन कौन से जिलों को जोड़ा जाएगा, समझ रहे हैं? इन पर एक तरह से आप कहिए कि पूरा खाका खींच लेंगे। और आप सभी जानते हैं कि इस तरह की परियोजनाओं का उद्घाटन होता है तो राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और वैसे तो उत्तर प्रदेश ही राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को 2014 में भी आपने देखा होगा, संसदीय क्षेत्र बनारस से चुनकर आए थे, 2019 में बनारस से चुनकर आए हुए हैं, और अधिकतर प्रधानमंत्री हमारे अभी तक हुए हैं वो उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं, समझ रहे हैं आप लोग? तो और आपकी परीक्षा की दृष्टि से इस तरह के टॉपिक काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जो भी एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, उनमें भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और भी जो आपकी सेंट्रल एग्जाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने भारत को और उत्तर प्रदेश को मैप में देख लीजिए। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा एशिया में। अपने पड़ोसियों को देखें तो श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी हमारा एक पड़ोसी है। आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, इसकी राजधानी लखनऊ है, और इसे राज्य बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, और आप सभी को मालूम होगा कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। और यहाँ अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, और यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे तो 403 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद भी है उसमें 100 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में यहाँ 31 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी, और सभी राज्यों में अगर आप तुलना करेंगे तो सबसे ज्यादा सीटें आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेंगी। और इसीलिए आप देखते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाह यानी कि आंखें किस राज्य पर रहती हैं, उत्तर प्रदेश पर रहती हैं। अब चलिए हम लोग गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैसे आपको बता दूं कि ये सबसे एक उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा, और ये 594 किलोमीटर माना जा रहा है। कितना? 594 किलोमीटर इसे माना जा रहा है, और ये आपका मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज आप इलाहाबाद को कहने लगे हैं, पहले इलाहाबाद आप लोग कहते थे, अब आप लोग प्रयागराज उसे कहते हैं, तो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग यही याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो गंगा एक्सप्रेस वे है किन किन को जोड़ेगा, कहां से कहां तक जाएगा, तो मेरठ से प्रयागराज तक। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर के आसपास रहेगी इसमें, ठीक है। इसके कुछ अगर इतिहास की हम लोग बात करें तो गंगा एक्सप्रेस भी परियोजना को सबसे पहले 2007 में यूपी की उस समय की तत्कालीन सीएम ममता मायावती ने लॉन्च किया था, मायावती ने इसे लॉन्च किया था। आगे चल के इसमें प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है, और इस परियोजना पर काम 2017 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद शुरू होता है। बीच के कुछ सालों ये आप देखेंगे पेंडिंग में पड़ी रहती है, और आप सभी को मालूम है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश के, उसके बाद इस पर फिर से काम शुरू होता है। और यह परियोजना 29 जनवरी 2019 को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च की थी, और फिर आप देखेंगे फरवरी 2020 में मेरठ से प्रयागराज, कहां से? मेरठ से प्रयागराज को तक 594 किलोमीटर लंबे पहले चरण के निर्माण को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आप देखिए इतने लंबे समय से पेंडिंग में पड़ी रही, अभी भी 2024 एक तरह से लक्ष्य रखा गया है। एक कब होगा इसका पूरा काम, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नवंबर 2021 में पर्यावरण मंत्रालय ने इसे क्लियरेंस दे दिया था, और उसी महीने उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए 36,200 करोड़ रुपए का बजट भी पास कर दिया था। तो इसमें खर्च कितना आएगा? 36,200 करोड़ रुपए, ठीक है। और 18 दिसंबर आज ही है, पीएम साहब ने, मोदी साहब ने शाहजहांपुर में इसका शिलान्यास किया हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखें। अब बात आती है कि इसमें आखिर क्या क्या खासियत है,
इसमें महत्वपूर्ण क्या है? तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को ये जोड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, जी हाँ, 12 जिलों की बात कर रहा हूं। इसमें आप देखिए, मेरठ से शुरू होगा, हापुड़ आएगा, इसमें बुलंदशहर आएगा, अमरोहा आएगा, संभल आएगा, बदायूं आएगा, शाहजहांपुर आएगा, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज से होकर एक तरह से गुजरेगा। इसमें आप देखेंगे 12 जिले शामिल हों और 12 जिलों के 500 से अधिक गांव भी इसमें जोड़े जाएंगे। और गंगा एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो मेरठ जिले के बिजौली गांव के पास आप लोग जो लो NH 334 देखते हैं ना, यहां से ये शुरू होगा और जाके प्रयाग जिले के जुदापर डांडू गांव NH 19 से के पास खत्म होगा। तो इसे भी आप लोग याद रखिए कि NH 334 से शुरू होगा और जाके आपका NH 19 के पास जाकर खत्म हो जाएगा। इसकी अनुमानित लागत आपको बता चुका हूं कि 36,200 के करीब आपको देखने को मिलेगा और जिसमें जमीन के अधिग्रहण पर करीब 9,500 करोड़ रुपए का खर्च भी शामिल है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब आपका रोड गुजरेगा, एक्सप्रेस वे जाएगा, तो वहां जमीन भी तो लेनी पड़ेगी, लोगों की जमीन भी होगी, किसानों की, कई, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसमें 95,000 यानी कि 9,500 करोड़ रुपए का खर्च भी आएगा और इसे भी 36,200 करोड़ रुपए में शामिल किया गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, रखोगे या नहीं रखोगे इसे, यार समझ रहे हो कि कुछ नहीं समझोगे। आगे अगर हम इसमें बात करें तो इस एक्सप्रेस वे में 7 तो आपको ओवरब्रिज देखने को मिलेंगे और इसमें आप अगर देखें तो 17 आपके इंटर, क्या 17 आपके इंटरचेंज रोड देखने को मिलेंगे, 14 बड़े पुल इसमें देखने को मिलेंगे, 126 छोटे पुल और 28 फ्लाईओवर और 50 वाहन अंडरपास और 946 पुलियां होंगी जब इसका निर्माण होगा। और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए आवश्यक 7,386 हेक्टेयर भूमि में से 83,000 किसानों से करीब 94% जमीन खरीदी जा चुकी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा पार्ट, एक तरह से काम चालू हो चुका है इस पर। आप कह सकते हैं कि जो 94%, 100% में से 94% जमीन जो इसमें आनी है उसे खरीदा जा चुका है किसानों से, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसे बनाने की ये भी बात उठती रहती है कि इसे बनाने का काम किस कंपनी के पास है। तो इस गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण अडानी इंटरप्राइजेज और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स करेंगे। तो इस कंपनी को भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके बनने के बाद आप देखिए, सबसे ज्यादा तो यही फायदा होगा कि आप दिल्ली से अगर प्रयागराज जाते हैं या प्रयागराज से आप लोग दिल्ली जाना चाहते हैं तो एक बड़ा लंबा समय लगता है और अभी अगर आप लोग सफर करें तो 10 से 11 घंटे कम से कम लगते हैं। और अगर ये बन जाता है तो आप देखेंगे 6 से 7 घंटे में आप लोग कवर कर पाएंगे, 6-7 घंटे में आप लोग दिल्ली पहुंच पाएंगे प्रयागराज से, या दिल्ली से प्रयागराज जा पाएंगे। तो समय की बचत होगी सबसे, और आप सभी जानते हैं कि समय सबसे कीमती होता है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा भी माना जा रहा है कि आप देखिए, 8 लेन का किए जाने का, ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 1,047 किलोमीटर लंबा किए जाने की योजना भी है। अगर ये इसका काम होने के बाद आप देखिए इस पर, और एक तरह से आप सभी जानते हैं कि इसका विकास और होता रहेगा, नए नए बनते रहेंगे, इस पर काम चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। और आपने देखा होगा कि जब इसका निर्माण हो रहा है तो भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन और पाकिस्तान की भी बात होने लगती है। आखिर क्या कनेक्शन है इनमें सब में? तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तरह गंगा एक्सप्रेस पर आपको देखने को मिलेगा कि आपातकालीन स्थिति में एयरफोर्स के विमान की लैंडिंग के लिए शाहजहांपुर के पास 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का निर्माण भी किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एयरफोर्स के जो विमान होते हैं वो उतर पाएंगे यहाँ और वो ऊपर भी उड़ पाएंगे, इस तरह की सुविधा भी की जाएगी। और गंगा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन की आपातकालीन लैंडिंग के लिए एक एयर स्ट्रिप के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसमें आप देखेंगे 4 एक्सप्रेसवे पर ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश में 4 ऐसे एक्सप्रेसवे बन जाएंगे जिन पर आप देखेंगे कि एयरफोर्स की अगर आपातकालीन कोई जरूरत है तो उस समय विमान उतर भी पाएंगे, उड़ भी पाएंगे। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि पहले ही यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के पास ऐसी एक एयर स्ट्रिप बनी हुई है जहां आपके विमान उतर पाते हैं, उतर पाएंगे, उड़ पाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी बागर मऊ के पास एक एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया। और हाल ही में आपने देखा होगा 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी
एयरफोर्स के विमानों की आपात लैंडिंग के लिए सुल्तानपुर के पास 3 किलोमीटर से लंबी एयर स्ट्रिप का भी बनाई गई है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नवंबर 2021 में आपने देखा होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर भी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन सुखोई 30 ने लैंडिंग और टेक ऑफ का सफल परीक्षण भी किया होता नवंबर के महीने में। अभी आपका जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है, इस पर आपका जो फाइटर प्लेन है सुखोई 30, इसने लैंडिंग भी की हुई थी और टेक ऑफ भी किया हुआ था, उतरा भी था और ऊपर भी उड़ा था और इसमें सफल भी रहा था। उसके पहले आप देखिए 2015 में जाइए, यमुना एक्सप्रेस पर आपने देखा होगा एयर स्ट्रिप पर फाइटर प्लेन मिराज 2000 सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेक ऑफ कर चुका है। वहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर भी आपने देखा होगा एयरफोर्स की सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर प्लेन लैंडिंग टेक और ऑफ कर चुके हैं, तो इस तरह की सुविधा भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसमें आप देखेंगे आपातकालीन, मतलब आप सोचिए जरूरत पड़ती है कभी इस तरह की लैंडिंग की, तो आराम से उत्तर प्रदेश में इन सभी एक्सप्रेस पर कर पाएगा। और इससे आप देखिए रणनीतिक रूप से महत्व हो जाता है, और इससे आगरा और हिंडन एयरबेसों को बहुत फायदा होगा, और साथ में चीन और पाकिस्तान से युद्ध छिड़ने की स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में एयरफोर्स के फाइटर प्लेन की लैंडिंग के लिए एयर स्ट्रिप महत्वपूर्ण लॉन्चिंग पैड की तरह काम करेगा, यानी कि हम लोग काफी इन्हें टक्कर भी दे पाएंगे। और उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के विमानों की आपातकाल लैंडिंग के लिए बनाई जाने वाली एयर स्ट्रिप का देश के लिए रणनीतिक महत्व होगा, और इससे आगरा और हिंडन एयरबेसों को बहुत ज्यादा फायदा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर किसी भी कारणवश, वैसे नहीं होना चाहिए किसी भी देशों में युद्ध, लेकिन अगर होता है तो उस समय भी हम लोग इनका उपयोग कर पाएंगे, समझ रहे हैं, अपने देश की सुरक्षा के लिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें अगर आप देखें तो एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाना चीन को काउंटर करने की योजना, गंगा एक्सप्रेस पर एयर स्ट्रिप बनाना भारतीय वायुसेना की युद्ध की स्थिति में चीन को काउंटर करने की बड़ी योजना का हिस्सा भी माना जा रहा है। और यूपी में 3 एक्सप्रेसवे पर पहले ही इस तरह की आप सभी ने देखा है कि व्यवस्था हो चुकी है, और दरअसल पहले भी आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, आप सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारी सीमा है जो चाइना से, ये 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC से लगे इलाकों में नए एयरपोर्ट बनाने और मौजूदा एयर स्ट्रिप को अपग्रेड कर रहे हैं। एक बार आप लोग मैप और देख लीजिए भारत का, देखिए यहाँ आप देखिए ऊपर आप देखेंगे चाइना लगा हुआ है और यहाँ हमारा भारत है, और आप सभी ने देखा है कि लद्दाख वाला हिस्सा हो या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा हो या फिर उत्तराखंड के यहाँ जाइए आप लोग, सिक्किम के यहाँ आ जाइए आप लोग, ये यहाँ चाइना के द्वारा हरकतें की जाती रहती हैं, तो इसके लिए भी काफी ये फायदेमंद रहेगा हमारा। अगर हम लोग इसके फायदे की बात करें, इससे एक्सप्रेसवे का निर्माण हो जाएगा उसके बाद फायदे, तो रक्षा एक्सपर्ट का मानना है ऐसा कि यूपी में एक्सप्रेसवे पर बनने वाली हवाई पट्टियां भारतीय वायुसेना की योजना का एक हिस्सा है, और इसका उद्देश्य विशेष रूप से डिजाइन की गई ऐसी सड़कें तैयार करना है जहां जरूरत पड़ने पर मिराज 2000 जैसे फाइटर प्लेन और C-130 जैसे हरक्यूलिस जैसे ट्रांसपोर्ट प्लेन उतारे जा सकते हैं। और दरअसल 1965 में 1971 में आपने देखा होगा कि युद्ध के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने हवाई ठिकानों पर बमबारी के कारण भारतीय वायुसेना को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया था, और जो हमारी वायुसेना थी इसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। और उन अनुभवी से सीखते हुए भारतीय वायुसेना ने इस एक्सप्रेसवे पर इन पट्टी हवाई पट्टियों का उपयोग 24 घंटे लैंडिंग करने, इसमें आप देखिए मोबाइल एयर ट्रैफिक कम्युनिकेशन, ईंधन भरने और हथियारों से लदे होने के बाद टेक ऑफ करने के लिए करने का फैसला किया है, तो इसके कई फायदे होंगे, इसमें से आप लोग इन फायदों को भी देख सकते हैं। इसके बारे में मुझे लगता है कि इतना ही आप लोग याद रखिएगा, और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आसानी से आप लोग आंसर आंसर भी इनकी दे पाएंगे। चलिए तो आप लोग एंजॉय करते रहिए, चुनावी माहौल चल रहा है तो कई योजनाओं का घोषणा भी होता रहेगा, उन्हें भी पढ़ते रहिए, और हम लोग तो मिलते ही रहेंगे नई नई क्लासों में।